नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1815 में भारतीय सेना की पहली बटालियन गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई थी। उस दौरान यह रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। ब्रिटिश आर्मी और भारत के अलावा कई देशों में गोरखा योद्धा मौजूद हैं। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजेय योद्धा बनते हैं। आज के दिन सन 1970 में पहला चाइनीज सैटेलाइट डांग फांग हांग लॉन्च किया गया था। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य उपग्रह प्रौद्योगिकी के परीक्षण करना और आयन मंडल और वायुमंडल की रीडिंग देना था। यह अन्य देशों के पहले उपग्रहों की तुलना में भारी था। उपग्रह ने एक रेडियो ट्रांसमीटर चलाया जो उसी नाम के वास्तविक राष्ट्रगान का प्रसारण करता है। प्रसारण कक्षा में रहते हुए यह 20 दिनों तक चला। आज के दिन सन 1973 में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह पहले क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। आज के दिन सन 1974 में हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। 23 सितंबर 1908 को जन्मे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक कवि वे निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 24 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख और ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग है। शुभ रंग सफेद, नीला, निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्यक्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा व्हाइट मल्टी कलर, निषेध रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद, निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद, निषेध रंग काला सलेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु यह सब अस्थायी है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। कैरियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद, निषेध रंग पीला लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा व्हाइट मल्टी कलर, निषेध रंग पीला वे लाल।
वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है, समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 50%, व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ें। बचत पर ज्यादा ध्यान देने रखने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती, निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%, परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%, कार्य की अधिकता रहेगी परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझाने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%, कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।